मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा एक विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका। आज हम लोग इसका चौथा पाठ शब्द तथा वाक्य इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तो आइए बच्चों, आगे शुरू करते हैं अपना चौथा पाठ शब्द तथा वाक्य। हमने इससे पहले शब्द बनाया था, मात्राएं लगाई थी। ग में छोटा उ की मात्रा लगी है, ल में आ की मात्रा, ब गुलाब, इसी तरह सारे शब्द बने हैं। देखिए, आइए देखें शब्द कैसे बना। वर्णों का वह समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो शब्द कहलाता है। देखिए, जैसे कार, घर, अंगूर, लड़की, कोयल, ताला, इस तरह से शब्द आपके इसमें दिए हुए हैं। अब शब्द को वाक्य कैसे बनाएंगे? तो शब्दों का ऐसा क्रम जिसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी क्रमबद्ध रूप से लिखा गया शब्द जब हम लिखते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे यह मोर है, हमने इसमें तीन शब्द यूज किया, यह मोर है, जिसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि यह हमें बता रहा है कि यह मोर है। मोर नाच रहा है, ये दूसरी क्रिया प्रदर्शित हो रही है यहाँ पर मोर की, मोर नाच रहा है। तो बच्चों, ये आपका छोटा सा पाठ शब्द तथा वाक्य, जिसमें बहुत ही प्यारा सा आपका इसमें चित्र भी बना हुआ है, जिसको आप देखकर अपनी बुक में फिल करेंगे और इसका एक्सरसाइज नोटबुक में भी कंप्लीट करेंगे। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित।